तो देखिए, सबसे पहले शुभ समाचार की हम जो बात कर रहे हैं वो है युवाओं के लिए। युवाओं के लिए ये क्यों है ये अभी आपको समझ आएगा, क्योंकि अब जो तैयारी चल रही है वो रही है एक जिला एक खेल योजना की तैयारी इस वक्त शुरू कर दी गई है, यानी ओपीडी की तर्ज पर, जिस माफ कीजिएगा जिस तरह ओडीपी ओडीओपी स्कीम बनाई गई थी उसकी तर्ज पर, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर ही अब एक जिला एक खेल योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। खेल विभाग में इससे संबंधित प्रस्ताव को तैयार करने का काम शुरू हो गया है। तो ये एक शुभ समाचार हम आपको बता रहे हैं, युवाओं के लिए है और खिलाड़ियों के लिए है। कोशिश इस वक्त तेज हो चुकी है, इसके लिए एक जिला एक खेल योजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। दरअसल खेल विभाग में इससे संबंधित प्रस्ताव को लेकर काम शुरू हो चुका है। इस योजना का मकसद क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। दरअसल इस योजना का मकसद है कि हर जिले के सबसे लोकप्रिय खेल को प्रोत्साहित किया जाए, और इसी कड़ी में मैंने कहा कि एक जिला एक खेल को लेकर इस वक्त प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल प्रदेश में तमाम ऐसे स्थानीय खेल हैं जो काफी लोकप्रिय रहते हैं, लेकिन जिले के हिसाब से कौन सा लोकप्रिय है उसको बढ़ावा देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इसके पहले चरण में ऐसे स्थानीय खेलों को जिलेवार चिन्हित किया जाएगा और संबंधित खिलाड़ियों की पहचान करके उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, खास बात है। और इसके लिए सभी जिलों में वरिष्ठ खिलाड़ियों को भी चिन्हित किया जाएगा, जो वरिष्ठ खिलाड़ी है उनको इससे जोड़ा जाएगा, जिससे वो आने वाले युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ा सके। हम लोग बढ़ावा देंगे और युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे और खेल में प्रतिभा निकालने का भी प्रयास करेंगे। जब प्रतिभा तभी निकल सकती है जब खेल के आयोजन ज़्यादा से ज़्यादा और उनको अवसर ज़्यादा प्रदान और उनकी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति, तो ये हमारा प्रयास होगा कि उनकी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति भी हो और उनको खेल के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त हों। और अब बात करते हैं बिजली उपभोक्ताओं के लिए क्या है शुभ समाचार। अक्सर आपने देखा होगा बिजली विभाग आप बिल नहीं भरते हैं या कोई दिक्कत आती है तो आप पर जुर्माना लगा देता है, लेकिन अब बिजली विभाग जुर्माना का वो अलग इशू है लेकिन आपको मुआवजा देने जा रहा है। वो किस तरह मुआवजा देगा अब वही हम आपको बताएंगे, कैसे है वो आपके लिए शुभ समाचार। बिल्कुल, दरअसल शुभ समाचार ये इसीलिए है कि यूपी के 3 करोड़ ऐसे बिजली उपभोक्ता जिनको अप्रैल के अंत तक मुआवजा कानून मिलना शुरू हो जाएगा, इसीलिए ये एक गुड न्यूज है आपके लिए। इसमें तय सीमा के अंदर अगर उपभोक्ताओं को योजना का लाभ नहीं मिलता है तो दंड के तौर पर पावर कॉर्पोरेशन उनको मुआवजा देगा। यही हमने कहा कि अगर ये चीज होती है तो आपको ही मुआवजा दिया जाए। और ये व्यवस्था पहले भी थी मगर ऑफलाइन सिस्टम होने की वजह से इंजीनियर उपभोक्ताओं को दौड़ाते रहते थे, अब इसको ऑनलाइन किया जा रहा है, ऐसे में जल्दी सभी लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। बिजली उपभोक्ताओं को इसमें अधिकतम 30,000 रुपए तक मुआवजा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिजली विभाग की तरफ से अगर कोई देरी की जाती है तो इस योजना का लाभ आपको मिलने जा रहा है। बिजली विभाग को जुर्माना लगाते कई बार देखा है, लेकिन अब योजना का लाभ उपभोक्ताओं को ना मिलने पर बिजली विभाग आपको मुआवजा देगा। अब बिजली विभाग की जिम्मेदारी है, अगर कोई भी योजना आती है और उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है और आप जुर्माने की मांग करते हैं या मुआवजे की मांग करते हैं तो आपको मुआवजा मिलेगा, यानी एक तरह से अब बिजली विभाग पर वो जुर्माना होगा।